हर माँ चाहती है कि वे अपने बच्चे की प्रॉब्लम को समझ सके, लेकिन बच्चे कुछ बोल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको समझने में परेशानी आती है। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उनकी तकलीफ ना तो आप और हमको सहन होती है और माँ को तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही बच्चों की तकलीफ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बात करने वाले हैं आज हम टीथिंग मतलब बच्चों के दांत निकलने के बारे में। इसके लक्षण, कुछ ध्यान रखने वाली बातें जिससे बच्चों के दांत आसानी से निकल जाएं, और भी कुछ जानकारी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रकाश शाक्य और आप देख रहे हैं डॉक्टर स्मार्ट हेल्थ केयर। बच्चों के दांत निकलना आम बात है। ये दांत अक्सर दूध के दांत के रूप में भी जाने जाते हैं। किसी भी बच्चे के लिए सवाल का जवाब देना संभव नहीं होता है कि उसके दांत निकलने की प्रक्रिया कब शुरू होगी, उसमें कितना समय लगेगा और बच्चे के लिए कितनी तकलीफ होती है। सामान्य रूप से नन्हे शिशुओं के दांत 6 से 8 माह के बीच निकलना शुरू हो जाते हैं और 2 साल तक लगभग सारे दांत निकल जाते हैं। कुछ बच्चों के दांत तो आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को बेहद तकलीफ होती है और कई बार तो जानकारी न होने की वजह से बच्चों को संक्रमण बीमारियां लग जाती हैं, जिस कारण से बच्चा कमजोर और चिड़चिड़ा हो जाता है। चलिए जान लेते हैं इनके लक्षणों के बारे में। बेचैनी से बच्चा सर पटकने लगता है, रोना एवं चिल्लाना शुरू कर देता है। जो भी बच्चे खाते हैं उसको ढंग से पचा नहीं पाते हैं। मसूड़ों में सूजन, कब्ज एवं दस्त की शिकायत होने लगती है। कानों में दर्द एवं खुजलाहट शुरू हो जाती है। बच्चों में उल्टी के साथ साथ कमजोरी एवं चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो बच्चे को संभालना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आप अपने बच्चे की परेशानी को कम करने में मदद कर सकती हैं। मैं आपको कुछ टिप्स बता दे रहा हूँ जिससे कि आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को काफी हद तक कम कर सकती। सर्वप्रथम, दांत निकलने के समय बच्चे को खिचड़ी, उबला हुआ सेब, संतरे का जूस, केला, चीकू आदि जैसी चीजें खाने को दे सकती हैं। बच्चे को कुछ ऐसी चीजें दे सकती हैं कि जिससे कि वे चबाए, लेकिन ध्यान रहे कि इतनी बड़ी ना हो कि वे उसको निगल पाए। जैसे कि गाजर, ककड़ी, बिस्किट जैसी चीजें बच्चे के हाथ में थमा सकती हैं, क्योंकि ये चीजें सख्त और मुलायम होती है, जिससे कि बच्चे को मसूड़े की खुजलाहट में राहत मिलती है। दांत निकलने के दौरान बच्चों के मसूड़ों पर मसाज करना सबसे सुरक्षित तरीका है। बस अपनी उंगली को अच्छे से साफ करके और 2 मिनट के लिए मसूड़ों पर हल्के हल्के दबाते हुए मसाज करें। इससे शिशु के दांत निकलने के दौरान राहत मिलेगी और दर्द भी नहीं होगा। रबर टीथर बच्चों के दांत निकलने के दौरान होने वाली परेशानियों से बचने में काफी हद तक मदद कर सकता है। बाजार में पानी से भरा हुआ टीथर आसानी से मिल जाता है। ये दांत निकलने के दौरान होने वाली परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए ये एक बेहतरीन उपाय है। ये उपाय करके काफी हद तक आप अपने बच्चे की प्रॉब्लम को खत्म कर सकती हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि बच्चे को उल्टी, दस्त या दर्द की प्रॉब्लम रहती है तो आप अपने बच्चे को एक अच्छे पीडियाट्रिक डॉक्टर मतलब बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, ताकि बच्चे को सही ट्रीटमेंट एवं सही सुझाव आपको मिल सके। यदि आपको हेल्थ से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखें, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हेल्थ से संबंधित वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके।